माननीय सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी, विराम देने का काम किया जाता है, भाषण को समाप्त करने का। माननीय सभापति महोदय, मुझे आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही हमारी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और विश्वास जताया कि मैं गरीब, मजलूम, दलित और पिछड़ों अल्पसंख्यकों की आवाज़ इस सदन में रख सकूं। महोदय, बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में बढ़ती रोजगारी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े अल्पसंख्यकों, गरीबों व समाज के अंतिम वंचित तबके के लिए विकास कार्यों का विवरण और उन कार्यों के लिए मद की व्यवस्था के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती उत्तर प्रदेश निर्वाचित होकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत जो जनपद आते हैं, बलरामपुर और श्रावस्ती, वह हर मायने में जन्मदिवस है, इसलिए बहुत बहुत बधाई मैं यहाँ से दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मायने में बहुत ही पिछड़े हैं और उत्तर प्रदेश में कुल 8 अति पिछड़े जिले में आते हैं। अभी भी यह यहाँ के लोग ज़्यादातर झोपड़पट्टी में रहते हैं। यहाँ के लोगों को जीवन जीने के लिए मूलभूत बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छ और पीने योग्य पानी, बिजली, सड़क, उच्च और गुणवत्ता युक्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी कमी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती जिला जो अत्यंत ही पिछड़ा जिला है, आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी रेलवे लाइन से नहीं जुड़ पाया है। बहराइच, खलीलाबाद, भिनगा, श्रावस्ती, बलरामपुर, उतरौला, डुमरियागंज, मेहदावल और वासी रेल लाइन परियोजना को शीघ्र शुरू करने के बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। यही विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध स्थल है, जहाँ देश दुनिया से लाखों बहुत अनुयायी और पर्यटक प्रतिवर्ष घूमने आते हैं। यहाँ पर एक एयरपोर्ट बना है, पर अभी तक चालू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। महोदया, यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जिस कारण लाखों लोगों की जान और माल की क्षति होती है। इन पिछड़े जिलों का सर्वांगीण विकास हो सके, इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं हुआ, जिससे इस क्षेत्र के लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, कोरोना और पूर्णबंदी के दौरान करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं, उनका बेरोजगार छिन गया, उनका रोजगार छिन गया और कईयों की तो तनख्वाह आधी हो गई। साथ ही छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की दुकानों व व्यवसाय बंद हो गया, जिस कारण उनकी आमदनी पर असर पड़ा है। महोदय, उनके लिए महामहिम राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कोई चर्चा नहीं किया कि मैं वर्तमान सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य 2022 तक रखा था, लेकिन यह कहीं नहीं बताया गया कि किसानों की इनकम कब कैसे दोगुनी होगी। लेकिन आज स्थिति यह है कि किसानों की आय दोगुनी तो दूर, किसानी की लागत में दोगुनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सिंचाई उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी से किसान की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बजाय किसानों को ही समाप्त करने पर तुली हुई है। ना रहेंगे किसान, ना आय की बात होगी। महोदया, महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश के अन्नदाता किसान जो आंदोलन में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की ना ही आर्थिक सहयोग, ना ही किसी अन्य प्रकार का सहयोग देने की बात कही है। हमारी व हमारे बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानों को सरकार द्वारा उनके परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए प्रति किसान और साथ ही उनके परिवार के एक एक सरकारी नौकरी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाने के बारे में भी कोई अभिभाषण में उल्लेख नहीं हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में हम सभी सांसदों के क्षेत्र में विकास के लिए 5 करोड़ रुपए मिलता है। इसी 5 करोड़ रुपए में 18% GST भी कट जाता है
और 18% GST अलग से देने का कोई जिक्र नहीं है। क्षेत्रीय विकास निधि को सरकार द्वारा फंड बढ़ाने के बारे में कोई जिक्र नहीं है। सीमित संसदीय क्षेत्र विकास निधि के द्वारा क्षेत्र में विकास के कार्य कैसे करेंगे इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। महोदया, मैं एक उदाहरण के तौर पर, एक किसान अपने 3 एकड़ जमीन में खेती करने का काम किया था और 3 एकड़ खेती में जब किसान मार्केट से गेहूं खरीद करके, उर्वरक खरीद करके, पानी, सिंचाई, मड़ाई सब जोड़ करके और अनुमान लगाया तो उसकी प्रॉफिट, जब वो खेती करने के बाद उसमें उसकी प्रॉफिट खाली मात्र 1 क्विंटल गेहूं और जो उसका भूसा निकलता है यही किसान की प्रॉफिट है। इसका मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि किसान के हित में देखते हुए जो किसान की रीढ़ टूट रही है इसके बारे में विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।